दोस्तों नमस्कार। अंबेडकर नगर जनपद के टांडा तहसील में स्थित महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज सदरपुर की सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाने का दावा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आभास कुमार सिंह ने किया है। बीते कई सालों से मेडिकल कॉलेज में पठन पाठन समेत तमाम मामलों को लेकर स्टूडेंट और कॉलेज के शिक्षकों के बीच किसी न किसी बात को लेकर तनातनी रहती थी। छोटे छोटे मामले बड़ा बनाकर यहाँ प्रोटेस्ट किए जाते थे। ODP की हालत खराब थी, कई कई दिनों शौचालय की सफाई नहीं होती थी। मेडिकल कॉलेज में महिला डिलीवरी व सिजेरियन की हालत भी खराब थी। इन सभी मामलों को लेकर हमेशा मरीजों के परिजनों से हमें तनातनी बनी रहती थी। आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते थे। इसी बीच पिछले सप्ताह राजकीय मेडिकल कॉलेज सदरपुर में आभास कुमार सिंह ने प्रिंसिपल के पद पर पदभार ग्रहण कर लिया है और कॉलेज की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में वे जुट गए हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज की सारी व्यवस्थाएं 15 दिनों के भीतर पटरी पर आ जाएंगी। यहां लगभग सभी व्यवस्थाएं और संसाधन मौजूद है, बस उन्हें पटरी पर लाने की जरूरत है। प्रेस वार्ता में प्रिंसिपल ने बताया कि हम पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपने अधिकारियों के साथ और यहाँ के हर जरूरतों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। यहाँ लगभग 99% चीज़ें मौजूद हैं, बस उनकी सुचारू रूप से प्रबंधन की जरूरत है। जब सभी चीज़ों का प्रबंधक सही ढंग से हो जाएगा तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप दुरुस्त हो जाएंगी। मेडिकल कॉलेज में अच्छे डॉक्टर और अच्छे नर्सिंग स्टाफ मौजूद हैं, बस उन्हें अच्छे ढंग से लगाने की ज़रूरत है, प्रिंसिपल आभास कुमार सिंह ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, जब पटरी बनी है तो ट्रेन तो चलेगी, और उतर गई है यदि कोई गाड़ी पटरी से तो कोई ट्रैक तो है ना, ट्रैकों की मरम्मत भी हो जाएगी और चीज़ पटरी पे आ भी जाएगी। बस केवल देखने के नज़रिए का फर्क है। जैसे किसी भी काम में ये लगता है कि ये चीज़ बिगड़ी हुई है, जैसे पानी का ग्लास के ही बारे में बात करें कि कहें कि साहब आधा खाली है और एक है वही आधा भरा हुआ है, तो जो जो चीज़ें हैं उसको हमने पिछले 15 दिनों में हमने इसकी पूरी समीक्षा की और व्यक्तिगत रूप से की, अपने सारे अधिकारियों के साथ की, और जब चीज़ों को देखा कि भाई सभी संसाधन लगभग मौजूद हैं, 99% चीज़ें मौजूद हैं, व्यवस्था बस उनको सुचारू रूप से प्रबंधन करना है। यदि उनको सही तरीके से प्रबंधन कर लिया जाएगा तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी। सरकार ने एक अच्छे मात्रा में यहाँ पर और अच्छे अधिकारी, अच्छे डॉक्टर, अच्छे नर्सिंग स्टाफ सभी यहाँ पर हैं, और स्टाफ बहुत डेडिकेटेड भी है। थोड़ा उनका एक प्रबंधन की समस्या थी, उनको सही स्टाफ सही जगह लगाने की आवश्यकता है। ये सारी व्यवस्थाएं उम्मीद करता हूँ कि आगामी 15 दिनों में ये अपनी पटरी पर वापस हो। क्या व्यवस्था की जा रही है? इससे शासन से हमें एक विस्तृत विचारों उपरांत एक हमारे पास दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसमें तमाम कमेटियां गठित करने की, अस्पतालों में सुरक्षा के लिए, और जो हमारे फीमेल स्टाफ हैं, जो हमारे परिजन हैं, इन सब के सुरक्षा के लिए डिफरेंट तरीके की जगह जगह सुरक्षा चौकियां, और एक तरीके से जो अस्पताल में एंट्री और एग्जिट को रिस्ट्रिक्ट करने की बात की गई है, और लोग कोई अस्पताल में हथियार या इस तरीके से अवैध चीज़ों को न ले जा सके, कोई असामाजिक तत्व तो न इंटर कर सके, तो जगह जगह उनकी व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टरों के अस्पतालों में लाने ले जाने की व्यवस्था है, और उसमें ये भी निर्देशित हैं कि भाई अस्पतालों में पास की व्यवस्था की जाए, ताकि एक कोई अनआइडेंटिफाइड पर्सन जो है अस्पतालों में इस तरीके से, खास करके जो भर्ती मरीजों के एरिया में न जा सके, ताकि उनकी ये सारी मतलब सुरक्षा
सर एक कमी और है जिस पे हम आपसे जो सीसीटीवी पूरे तरीके एक्चुअली सर रात्रि काल में अक्सर जो है अक्सर क्या ये निरंतर बना होता है कि जेआर डॉक्टरों के भरोसे यहाँ पर जो है सुविधाएँ दी जाती हैं, सीनियर्स डॉक्टर्स की उपलब्धता कभी कभी ऐसी अवस्था बनी कि नहीं मिल पाती हैं। नहीं, हमारे सभी सीनियर डॉक्टर हमेशा एक 24/7 अलर्ट पे रहते हैं, क्योंकि संख्या उनकी ज़रा कम है जी, तो हमें अपने जितने अधीनस्थ जेआर डॉक्टर हैं इन सबको वो कभी कोई भी हमारी कनेक्टिविटी से उसमें सेपरेट नहीं हो पाते। हमें हम हर घंटे ये हमारे सीनियर डॉक्टर उनसे मरीजों के रख रखाव के बारे में सारी जानकारी, पहले तो वो सुबह से शाम तक उसमें लगे रहते हैं, फिर वो जाते हैं कैन जूनियर डॉक्टर क्योंकि उनको सीखने का भी है और वो कार्य करते हैं, और लेकिन हर घंटे की हर दो घंटे की रिपोर्ट खास करके जो मरीज में किसी तरीके की आवश्यकता है वो आवश्यकता के अनुसार उनको उनको रिपोर्ट करते रहते हैं। जैसी ज़रूरत होती है हमारे सीनियर डॉक्टर तुरंत अस्पताल में उपस्थित होकर सारा देते हैं। ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अभी आपने प्रिंसिपल साहब को सुना। शासन में हमारे पास सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शासन से हमारे पास सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज में कई कमेटियां गठित की जाएंगी जिसमें सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गेट पर प्रवेश करने से लेकर मरीज की भर्ती होने तक उसके साथ आने वाले लोगों के पहचान पत्र भी जारी किए जाएंगे, ताकि कोई भी अवैध रूप से मेडिकल कॉलेज के भीतर ना घुस सके, ना कोई असामाजिक तत्व ही घुस सके। बहरहाल नए प्रिंसिपल के आने से धीरे धीरे यहाँ की व्यवस्थाएँ दुरुस्त होने लगी हैं, साफ सफाई पहले से अच्छी होने लगी है। समझा जाता है कि आने वाले समय में यहाँ सारी व्यवस्थाएँ सुधर जाएंगी और यह मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में निश्चित रूप से आदर्श मेडिकल कॉलेज बनेगा और शासन की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।